सर आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं मैडम पताल कन्या को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे एनजीओ मित्र सुजीत, नबार्ड सब साथ में आके ये जो इनिशिएटिव लेने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव होगा। क्योंकि मैंने जो पहले भी कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर थे और वापस बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको आगे आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, जिससे हम अपना काम खुद कर पाएं, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। बैम्बू प्लांटेशन एक स्पीशीज का अगर हम करेंगे तो खुद ब खुद जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है और बैम्बू रिलेटेड जो भी अलग अलग इंडस्ट्री है खुद यहाँ चल के आ जाएगी। हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उनके उनको मटेरियल बेचने के लिए या उनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, वह खुद ब खुद आ जाएगी। अगर इकट्ठा साइंटिफिकली एक जगह एक ही तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। थैंक यू। आप कुछ बताइए। আমি ভলান্টারি হেলথ সেন্টার ত্রিপুরা থেকে, আমরা নাবার্ডের পার্টনার। আমরা ধন্যবাদ ম্যাডামকে, আমরা টিএফপিসি থেকে, আমরা এই প্রথম ব্যাম্বু বেসড প্ল্যান্টেশন হচ্ছে, আমরা তার ভ্যালুডেশন যেটা মনিরবাবু বলেছেন তার পাশে এখানে সোশ্যাল ইস্যু বা স্কিল ডেভেলপ নিয়ে আমরা কাজ করব। सर आपका परिचय थोड़ा बताइए। मैं मनीष अग्रवाल हूँ। हमारी कंपनी राडो बैम्बू वेलफेयर कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी है त्रिपुरा में, एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी। कहाँ पे है आपका फैक्ट्री? हमारी फैक्ट्री बोजुंग नगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में है, खैरपुर। आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, यहाँ पे जितने भी जनजाति लोग हैं, जितने भी हिली एरिया रिमोट एरिया के लोग हैं, जिसको आप बेनिफिशियरी को आप जो सुविधा देने जा रहे हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे? हमारा सारा डिटेल मैडम टीआरपीसी पताल कन्या मैडम के पास में है, और कोई भी हमारे यहाँ आए हम खुद चल के आएंगे, हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर अवेयरनेस बढ़े, बैम्बू अवेलेबल हो, यहाँ पर काम करने के लिए इतना बड़ा मैन पावर अवेलेबल है, हम क्यों बाहर जाएं? तो कांटेक्ट करने के लिए हम खुद यहाँ पर अवेलेबल है, कभी भी कोई भी आए हम तैयार है उनको किसी भी तरह की सहायता देने के लिए, किसी भी तरह की उनका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी तरह की उनकी जिज्ञासा होगी, हम उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।